हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111 ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं सो so ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं ओके सो वी हैव द एम्पर सो ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं और आपके बच्चे भी हो सकते हैं आई ऑल्सो फील इस कार्ड को देखते हुए गाइडिंग और प्रोटेक्टिंग योर इनर चाइल्ड टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड बट लेट सी मोर सो एम्पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्क किसी को मे बी जिम का शौक है बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग का क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बॉस लेडी हो सकती हैं यू आर बॉस वर्किंग लेडीज देख रही हैं बहुत ज़्यादा इवन इफ यू आर अ मेल वेरी हार्ड वर्किंग मेल हो या फीमेल दोनों जिनसे मैं बात कर रही हूँ आज जिनकी एनर्जी में, में ट्यून इन हूँ आप दोनों बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं आप भी और आपके पर्सन भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील कि यहाँ पर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ओके वी हैव द लवर्स दिस इज़ सो नाइस ओके मुझे अब ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत स्ट्रांग इंसान है बट यू ओपन दैम अप टू देयर सेंसिटिविटी वाहिद आप वो इंसान हैं जिसके सामने वो टूट जाते हैं जिसके सामने मे भी वो रो भी पड़ते हैं अक्सर या जिसके सामने वो अपनी पेन दिखा देते हैं आप उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं वो ऐसा फील कर रहे हैं द मजेशन कोई लिटरली डीजे हो सकता है वी हैव सेवन ऑफ वार्ड्स कोई मीडिया में हो सकता है पॉलिटिक्स न्यूज़ इससे किसी का ताल्लुक हो सकता है एंड देन वी हैव डेथ सो मे बी आपको हेयर कट की ज़रूरत है मे बी गुस्से में कभी किसी ने अपने बाल काट लिए आई डोंट नो बट दिस इज़ अ स्पेसिफ़िक मैसेज बट इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन राइट मे बी आपको एक न्यू हेयर कट की ज़रूरत है और uh, अगर हम बाल थोड़े से काट भी लें तो ये फिर से लम्बे हो जाएंगे राइट री जनरेशन एंड द स्टार दिस इज़ वेरी नाइस होप मे बी आप में से कोई आर्टिस्ट है किसी ना किसी अंदाज़ में मे बी आपको स्केचिंग का पेंटिंग का शौक़ हो सकता है शूटिंग स्टार सिग्निफिकेंट हो सकता है मे बी आप विश करते हैं जब भी शूटिंग uh, स्टार देखते हैं टेम्परेंस नज़र आया है मे बी योगा इम्पॉर्टेंट हो सकता है टू मनी मैसेजेस बिकॉज ये डेक भी ज़रा डिफरेंट है और इसमें इमेज तो बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं सो so, अब हम बात करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, लेना चाहते हैं दे लव यू अलाट आपकी स्पेशल जगह है उनके दिल में उनकी ज़िंदगी में दहरेली फील really के आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हैं एंड दहरेली फील्ड के आप वो वाद इंसान हैं उनकी ज़िंदगी में जिसके सामने वो ओपनली अपनी तकलीफ़ बयान कर सकते हैं अपने ट्रामाज जो उन्हें जज नहीं करेगा और एक बड़ा ही न्यूट्रल और बड़ा ही रियल सजेसन एडवाइस भी करेगा ओपिनियन बड़ा आपका रीज़नेबल होगा बड़ा यानि दहरेली फील के वो आपके सामने ओपन अप हो सकते हैं दे रियली लव यू एज अ प परसन दे रेली थिंक कि आप भी एक बहुत हार्डवर्किंग इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत हार्डवर्क किया एंड दे आर रियली अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू विद फाइव ऑफ पेंटिकल एंड डेथ कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप चल रहा है और वह बहुत ज़्यादा सैड हैं इस ब्रेकअप की वजह से दे रियली वट टू कनेक्ट विद अ स्टार होपफुल हैं कि हम दोनों की सुलाह हो जाएगी होपफुल हैं कि हम दोनों के दरम्यान चीज़ें हील कर जाएंगी चीज़ें ठीक हो जाएंगी दे आर रियली रियली होपफुल यहाँ पर एरीज जेमेनाए अक्वेरियस लिब्रा ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं पाइसीज भी ऐड कर लीजिए आप इसमें से कोई आपका या आपके पर्सन का हो सकता है बट दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो ब्रेकअप है ये पर्मानेंट है ऑल्सो आई फील विद द सेवन ऑफ बॉन्ड्स में भी आपके कनेक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं सवाल करते हैं कुछ गलत बोलते हैं कुछ क्या करते हैं बट आपके पर्सन सबको जवाब देने के लिए रेडी हैं आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं बिकॉज़ वो ये एम्पर हैं वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और वो डिफेंड करते हैं कोई भी जब आपके खिलाफ बात करता है उनके फैमिली में से कोई हो या कहीं भी वो आपको डिफ़ेंड करते हैं सो so, ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू लॉट्स बाय बाय